हेलो एवरीवन। तो आपका जो कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। डिफाइन द एरिया ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ी देखो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे डिफाइन द एरिया ऑफ द पॉलीगन, ये आपको एक पॉलीगन दे रखा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपको बोल रखा है कि ए डी आपको दे रखा है, ये ए, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है मैं यहाँ पे बनाने का ऐसा ट्राई भी करता हूँ। ए डी आपको एक लाइन दे रखी है, ये है आपकी ए डी लाइन, ठीक है, इस पूरे की आपको लेंथ दे रखी है, ए डी की आपको ये पूरी आपको लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है कि ये एडी आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला ए एस, ए एस कहाँ पे दे रखा है, ए एस आपका यहाँ पे दे रखा है, ये इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे आपका ए एस, ए एस ये आपका इतना मान लेते हैं इसको, इतना मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे ए एस है, ए एस आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको पूरा बोलूँ ए से लेकर के यहाँ तक ये डी तक, ये तो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और अगर मैं ए से लेकर के एस तक बोलूँ तो ये मुझे दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सर, डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एपी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, एपी, एपी आपको 3 सेंटीमीटर, अब एपी कहाँ पे है, एपी है आपका यहाँ पे, एपी आपका यहाँ पे, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे पी है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डायग्राम थोड़ी और हम इसे बना लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसा। तो ये आपका यहाँ पे इतना है, ये ए है यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे बी है, और ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सी है, ये आपका यहाँ पे एस है, और ये आपका यहाँ पे डी है, ऐसा आपका यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। और बी पी आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, सी एस आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है। अब ये पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, और हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, नहीं सॉरी, हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी का निकालना है, मतलब ए बी सी डी, ठीक है, पूरे का निकालना है। ओके चलो, तो सबसे पहले देखो भाई हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं कि हमें एरिया निकालना है, हमें किसका एरिया निकालना है, एबीसीडी का एरिया निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर है कि सर अगर मैं इस वाले का एरिया, इसका एरिया निकाल दूं क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है हम निकाल सकते हैं एरिया, इसका एरिया निकाल दे क्योंकि सर ये ट्राइंगल बन रहा है हम निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है, और इसका एरिया निकाल दे क्योंकि आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये हम पूरा एरिया निकाल दें, उसको अगर हम प्लस कर दें तो हमें कहीं ना कहीं पूरा आंसर मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। ये वाला डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो चलो, मतलब मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ, अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ पॉलीगन, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी, इसका हमें एरिया निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने एरिया निकाल दिया किसका, एरिया ऑफ, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है ए बी पी, ये वाला देख लो, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी, या इस वाले में देख लो, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, इसका हमने एरिया निकाल दिया। प्लस मैंने उसमें क्या प्लस कर दिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है आपका, ये सी एस डी, ठीक है, सी एस डी, ये वाला यहाँ पे देख लो, ये वाला देख लो, या ये वाला कॉर्नर देख लो, सी एस डी, ठीक है, इसका हमने एरिया निकाल दिया। फिर आगे प्लस, प्लस क्या बचा, बीच वाला, तो उसका हम एरिया निकाल देंगे, वो क्या है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम आपको पता है अपोजिट, तो उसके एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है, बाकी दूसरा नहीं होता, ठीक है, ट्रापेजियम क्या है, बी सी एस पी, ठीक है, ट्रापेजियम बी सी एस पी, ये सारा हमने कर लिया, तो हमें इजिली वहां पे क्या मिल जाएगा, उस पूरे का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसको करते हैं, हमें पता है सर, हमें पता है सर, इक्वल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है, ठीक है, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, अगर नॉर्मल हम देखें, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है कोई भी ट्राइंगल हो, हाफ इंटू, ये सबको पता है, बेस इंटू हाई, ठीक है, आधार गुणांगाई ऊंचाई, आपने सुना होगा, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस दूसरा भी ट्राइंगल है तो सेम ही हो जाएगा उसका फॉर्मूला भी, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी सी एस पी, अब आपको ट्रापेजियम का एरिया, अगर आपको ट्रापेजियम का एरिया पता होगा वो भी क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू, हाफ इंटू बेस होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू जो उसकी पैरेलल साइड होती है, ठीक है, जो उसकी पैरेलल साइड, यहाँ पे देख लो उसकी पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड का सम होता है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये आपका ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, पैरेलल साइड, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, ओके, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है सर। अब देखो सिंपल वे में हमने कर रहा है, मुझे बेस चाहिए इस वाले में, देखो ए बी पी वाले में मुझे बेस चाहिए, ठीक है सर, तो देख लो ध्यान से, हाँ
हाफ इन टू बेस, मुझे वहां पे पता है बेस तो यहाँ पे एपी है और एपी में बेस तो मुझे कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये आपकी हाइट परपेंडिकुलर, सबको पता है हाइट होती है ये वाला, ये बीपी, बीपी वहां पे उसकी हाइट है। ठीक है, तो हाइट कितनी है, हमें दे रखी है हाइट वहां पे 4 है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है ओके, फिर देखो यहाँ पे प्लस दूसरा वाला, चलो हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या है, इस वाले में हमें बेस देखना है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें बेस देखना है, बेस सर हमें यहाँ पे नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ए से लेकर के डी तक की दूरी दे रखी है जो कि आपकी 12 सेंटीमीटर है, एक बात। और आपको क्या दे रखा है, आपको ए से लेकर के एस तक के बीच की दूरी दे रखी है 10। अगर मैं इस पूरे ए डी वाली लेंथ में से इस एपी वाली लेंथ को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे एस डी की लेंथ मिलेगी। अरे बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है समझ रहे हो ना। मैंने क्या कर दिया, इस पूरी एडी की, एडी लेंथ है यहाँ पे, एडी की लेंथ है यहाँ पे आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर, सबको पता है। ठीक है, इस 12 में से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर मैं इस 12 में से क्या कर दूं यहाँ पे, इसको माइनस कर दूं, किसको, कितने को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा, ये एस डी रहेगा जो कि हमारा बेस आ जाएगा। तो देखो ये पूरा 12 है, 12 में से मैं अगर इस ए एस को 10 को माइनस कर दूं, अगर मैं 12 माइनस 10 कर दूं मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे ही आपका 2 आ जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाली लेंथ को मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनको माइनस कर दिया, तो यही तो मिलेगा मुझे। ठीक है भाई, बाकी दिक्कत होगी तो बता दें, ये मिलेगा मुझे बेस, मिल गया 2, हाइट तो आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये दे रखी है 6, यहाँ पे आपने इंटू 6 कर लिया। ठीक है, प्लस आगे हमारा हाफ इंटू बेस। अब ट्रापेजियम पे हमारे हैं, ट्रापेजियम का बेस है आपका पीएस, बेस है यहाँ पे आपका पीएस। अब हमें ये पीएस चाहिए सर, हमें पता है कि यहाँ से, चलो पीएस तो मुझे सीधे सीधे दे ही रखा है यार, पीएस कितना है, पीएस ही नहीं, वो तो एएस दे रखा है यार। ठीक है, मुझे दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, चलो ये 12 वाला तो इस बार हमें कोई काम करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसमें से ये वाला माइनस करूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 10-3 करूंगा मुझे कितना मिलेगा बेस, 7 मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत सही। फिर इनटू मैं सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड आपको देखें ट्रापेजियम, ये वाला, ये पूरा येलो वाला ट्रापेजियम हम देख रहे हैं, इसमें पैरेलल साइड एक 4 है एक 6 है, तो 4+6 हम यहाँ पे कर लेंगे, तो 4+6 ये आपका यहाँ पे हो गया। बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जस्ट हमने यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो कुछ कट पट रहा होता है उसे काट दो, 2 से 4 कट रहा है, 2 to the 4। ठीक है, ये अभी प्लस में है, 2 से यहाँ पे 2 कट रहा है, और अभी एक बार और इसे सॉल्व कर देते हैं। मेरे पे बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, 3 2 जा, चलो पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे बचा मेरा 3 into 2, ये 3 into 2 बचा प्लस में, चलो इसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर मैंने लिखा 3 2 जा 6, मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर प्लस में था आपका यहाँ पे क्या, 1 तो निकल गया, आपके यहाँ पे बचा 6+। ठीक है, फिर से आपके यहाँ पे क्या बच गया, 6 बचा, 3 2। ठीक है, यहाँ पे बचा हमारा क्या, 6 बच गया ना, ये तो यहाँ बचा हमारा 6, यहाँ पे सिर्फ मेरा 6 बच गया। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या बचा, हाफ इंटू में आपका 7 में फिर ब्रैकेट में इंटू 6 4 कितना होता है, सॉरी 6 4 10 प्लस करना है। ठीक है, फिर ये सारा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6+6+ ठीक है 7 7 5 जा 35, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 6+6+35, इसे प्लस कर दो 6 6 12, ये कितना हो जाएगा 12+35, और ये हो जाएगा 5 2 7 3 1 4, और ये आपका 47 एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर में यूनिट आती है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका बढ़िया 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 तरीके से आंसर आ जाएगा, क्या बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से करना था, बहुत सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना, ठीक है, मैं उसमें आपको और अच्छे से बता दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मुझे से मेहनत करते, ओके, ऑल द बेस्ट।